आज हमारा पहला लेसन है जिसमें द फर्स्ट लेसन हमारा है वो क्या है द इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश. इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश या यू कैन से इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज. हर लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन ग्रामर ऑलमोस्ट एक हो जाता है, सिर्फ टर्म्स अलग होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन सेम होता है. उसी में सिर्फ हमने को लैंग्वेज के वर्ड्स को टर्म्स को डालना होता है. तो द फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज है, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश है. नाउ आई राइट इंग्लिश लैंग्वेज. सवाल पैदा है, सवाल यहां पे पैदा होता है व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज का क्या है. लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज वे है कम्युनिकेशन का, एक बात को दूसरे तक पहुंचाना, एक बात को, एक सेंस को, एक नॉलेज को दूसरे तक वर्बली पहुंचाना, इसको लैंग्वेज कहा. रिटन में भी आता है, वर्बली और रिटन में कोई बात एक से दूसरे तक पहुंचाई जाए उसे लैंग्वेज कहा गया. अब लैंग्वेज रिटन भी है, वर्बल भी है, एक्सप्रेशन में भी लैंग्वेज, कई चीजें हम एक्सप्रेशन के जरिए भी बताते हैं, तो ये कम्युनिकेशन है. बट जो वर्बल कम्युनिकेशन है स्पेशली उसको कहा गया है लैंग्वेज. इसका मतलब जो भी हम वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज में, जो भी कैरेक्टर्स, जो भी अल्फाबेट्स और जो भी वर्ड्स यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उनसे सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं और लोगों तक हम बात, लोग आपस में बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं उन सेंटेंसेस को लेके. तो जो भी चीज़ें हैं सेंटेंसेस हैं ये सारी लैंग्वेज है. अब मैं सारे सेंटेंसेस, कई सारे सेंटेंसेस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ. आई एम टॉकिंग सो मेनी सेंटेंसेस. I'm explaining. There are so many sentences I'm here delivering actually. So this all sentences is language, and they are made by words. वो words से बने हुए. So ये सारी ये language है जो इसका इस्तेमाल एक बात को दूसरे तक पहुँचाना. और इंसान की सबसे बड़ी dependency language है. अगर language ना होती तो शायद system इतने easy नहीं होते, काम करना इतना इजी नहीं होता. आप सिर्फ एक 10 मिनट के लिए सोच लो कि हम लैंग्वेज को बंद कर देते हैं, वर्बल लैंग्वेज को बंद कर देते हैं, कोई भी चीज़ वर्बल नहीं होगी ना, ऑडियो वीडियो ऑडियो फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं होगी, सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में होगी, हमको हर चीज़ लिख के बताना है. क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, व्हाट्सएप के ज़माने में, ईमेल के ज़माने में, हम ईजीली ईमेल लिख के और ईजीली व्हाट्सएप भेज कर अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकते. आपको सिर्फ बात नहीं करनी पूरे दिन में, पूरे महीने में किसी से बात नहीं करनी. क्या आपको लगता है कि आप लिखकर अपनी बातें पहुंचा सकते हो. मेरे हिसाब से ये बहुत डिफिकल्ट होगा. आप सिर्फ 6 घंटे के अंदर आपका व्हाट्सएप, आपकी ईमेल फेंक दोगे उठा के. आप टायर्ड हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे. तो इस जबान ने जो अल्लाह ने हमको दी है और कितना इजी है, 24 घंटे में हम कितने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं. अब इमेजिन करो कितने सेंटेंसेस 24 आवर्स में हम बोलते हैं. मगर अगर उन्हीं को लिखना पड़े तो आपको क्या लगता है, यू विल बी इरिटेटेड. हम लोग इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, छोड़ देंगे सब कुछ, चाहे संन्यास भी ले सकते. ओके, सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, लैंग्वेज बनती कैसे, सिंपल है, सबको पता है. लैंग्वेज बनती है उसके अपने कैरेक्टर से. इसे इंग्लिश में बोला गया है इंग्लिश में क्या गया है, अल्फाबेट्स. तो इंग्लिश लैंग्वेज को देखिए, किसी भी कैरेक्टर इसकी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं. अब जब कैरेक्टर्स को कंबाइन किया जाता है, जब भी कैरेक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं. और वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. अब आपने देखा लैंग्वेज के अंदर उसके अपने खुद के कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अपने कैरेक्टर्स होंगे, अपने अल्फाबेट्स होंगे. अल्फाबेट से हम कैरेक्टर से मिलकर वर्ड्स बनाएंगे,
और वर्ड्स से सेंटेंसेस बनेंगे, और जब हम सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे या लिखना शुरू कर देंगे वो लैंग्वेज बन जाएगी। अब जो सेंटेंसेस बन रहे हैं, जो सेंटेंसेस बना रहे हैं, वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस चीज पे बात कर रहे हैं, हमारा टॉक का सब्जेक्ट क्या है, हमारे टॉक का टॉपिक क्या है, और उसी के अराउंड हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो मैंने आपको वर्ड यूज किया, हमारे टॉक का सब्जेक्ट क्या है, हमारे टॉक का टॉपिक क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टॉक का टॉपिक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। अब एक चीज आप देख लेते हो कि जो लैंग्वेज यूज की जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया, वो हम यूज कर रहे हैं, ह्यूमन बींग यूज कर रहे हैं, इंसान यूज कर रहा है लैंग्वेज। और लैंग्वेज के लिए दो का आमने सामने होना जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए टू वे कम्युनिकेशन है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, इसका मतलब एक स्पीकर है जो बात करता है और एक लिसनर है जो सुनता है, और इस तरह से दोनों के बीच में लैंग्वेज का यूज होता है। तो बेसिकली इंसान ही यूज कर रहा है, कोई सुनने वाला है, कोई बोलने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सुनने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सुनने वाले के लिए नहीं आते हो ना, आप बोलने वाले के लिए आते हो, आप आते हो टॉपिक के लिए, आते हो सब्जेक्ट, इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, अपना इस क्लासेस के लिए आए हो, ना इरफान सर के लिए आए हो, ना किसी टीवी या टेलीविजन को देखने के लिए यहाँ पे आए हो, बल्कि आप आए हो इसके सब्जेक्ट के लिए, इसके टॉपिक के लिए। इसका टॉपिक है इंग्लिश लर्निंग कोर्स, तो आपको पता है ये टॉपिक क्या है। तो लैंग्वेज में स्पीकर, लिसनर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बोलने वाला और कोई सुनने वाला। क्यों, हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम रिटन इंग्लिश की बात नहीं। दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइन टू स्पीक इंग्लिश, टू कॉन्वर्स इन इंग्लिश, सो वी आर नॉट मच फोकसिंग ऑन रिटन राइटिंग, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे समबडी विल स्पीक and somebody will listen, that is very important. So two people are there, two persons are there, one will speak and second will listen, one will speak and second will listen. These two are very important in the language. कोई भी language आप देखो, ये दो चीजें बहुत important हैं, but इनमें और एक चीज बहुत ज्यादा important क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, टॉपिक। क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सन, जो टॉपिक है दोनों के बीच में, जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, आप स्पीकर पे फोकस नहीं करोगे, आप सुनने वाले पे फोकस नहीं करोगे, बल्कि उनके टॉपिक पे फोकस करोगे, उनका टॉपिक है। और खासकर जो स्पीकर है, जो बोलता है, उसका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से सुनने वाला सुन रहा है, वरना वो तो उठ के चला जाएगा। जो टॉपिक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जब उसकी समझ में आता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका टॉपिक क्या है, एंड दैट इज यूजफुल फॉर मी, that will help me to grow, to acquire knowledge. जब आपको जाके क्या होगा, तो speaks listener बैठेगा सुनेगा। तो यहाँ पे subject बहुत important है, subject को समझना बहुत जरूरी है कि आपके topic का subject क्या है, talk क्या है। अब आगे हम चलेंगे तो और इसको elaborate करेंगे और deep में समझने की कोशिश करेंगे, but आपकी एक बात समझ में है कि language में स्पीकर है जो बोलता है, कोई सुनता है, और उनका अपना एक टॉपिक होता है, उनका एक अपना सब्जेक्ट होता है, और हमको ग्रामर में उस सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का, कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर, इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट को यूज करके उसकी कैटेगरी से, डिफरेंट कैटेगरी से, डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट ग्रुप से सब्जेक्ट के, उन सब्जेक्ट को यूज करके हम किस तरह से ग्रामर को समझते हैं और फिर लैंग्वेज किस तरह से हमारी इजी हो जाती है।
तो आपने ये देखा कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉप, ये सब्जेक्ट, जो भी बात हो रही है, नॉर्मली बोलने वाला बोल रहा है ये चीजें। अब जब हम थोड़ा सा अपने अराउंड में लैंग्वेजेस को देखते हैं, लैंग्वेज बोलने वाले को देखते हैं, जिसके बारे में लैंग्वेज बोली जा रही है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किसके बारे में है, उन चीज़ों को अगर हम देखते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको एक बात समझ में आती है क्या, कि हम किसी न किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इवन जो बोल रहा है वो किसी न किसी टॉपिक, मतलब किसी न किसी चीज़ को उस बारे में बात कर रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, उससे कनेक्टेड चीज़ों की बात कर रहा है। जैसा मैं अगर आपको बोलूँ ये टेबल बहुत मजबूत है, ये टेबल लाल है, या ये लाल है, ये वुडन टेबल है। अब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की, टेबल की बात कर रहा हूँ, उसके कलर की बात कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी न किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। या मैं अगर आपके खुद के बारे में बात करूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं लास्ट 20 ईयर्स से कंप्यूटर्स, अकाउंट्स और लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, मैंने मास्टर्स किया इन कॉमर्स में, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करूं, अगर मैं आसमान के बारे में बात कर रहा हूं, जमीन के बारे में बात, आसमान क्लियर समझे, या किसी स्टोर के बारे में, किसी शॉप के बारे में बात कर, तो हम किसी न किसी टॉपिक को किसी न किसी चीज से कनेक्ट करके बात करते। कोई हमारा टॉपिक कोई ना कोई चीज होती है, या इंसान हो सकता है, या कोई चीज हो सकती है, या एनिमल हो सकता है, या बर्ड्स हो सकते हैं, मतलब जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो हमको नजर आ रही या नजर नहीं आ रही और किसी तरह से हमारे नॉलेज में वो आ रही है, हम उस पर बात करते हैं, उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। फिर से गौर से सुनिए, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली, कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो चीजें हमको नजर आ रही है या जो चीजें नजर नहीं आ रही, मतलब किसी ना किसी तरह से जो नजर नहीं आ रही वो किसी ना किसी तरह से हमारे नॉलेज में है, हमारे नॉलेज में है, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को क्या कहा जाता है। तो हम किसी ना किसी चीज के बारे में बात करते ही हैं, तो उन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उन चीजों को ये नहीं समझेंगे और वो चीजें हमारे नॉलेज में ही नहीं होगी, तो हम बात कैसा करेंगे। जैसे अगर मैं कुर्सी के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुर्सी के बारे में क्या बात करूं, जब तक मुझको नॉलेज नहीं है किस चीज से बनी हुई है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका कलर क्या है। मैं अपने बारे में अगर बात करना चाहूं, मैं खुद को ही समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैं किसने यहां पे खड़ा हूं, तो क्या मैं बात कर पाऊंगा। मैं आसमान को ही समझ नहीं पा रहा, उसके अंदर के बादलों को समझ नहीं पा रहा, बारिश को समझ नहीं पा रहा, तो मैं क्या आसमान और बादल के बारे में बात कर सकता हूं। तो मैं जब तक किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, जब तक किसी चीज को हम समझते नहीं है और उसके बारे में उसके मुताबिक हमको नॉलेज नहीं होता है, तब तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। इसका मतलब चाहे स्पीकर, चाहे लिसनर हो, मगर जिस टॉपिक पे वो बात कर, उनको खुद को बताने के किस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज बेसलेस हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगा। हमको इनिशियली इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम इसके किस चीज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी न किसी चीज के बारे में, उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब इस वर्ड, इस चीज का एक इंग्लिश में टर्म है, जो चीजें हैं हमारे अतराफ में, जितनी भी चीजें, अकॉर्डिंग टू वन नॉट के बहुत 18,000 से ज्यादा चीजें दुनिया में मौजूद है, तो 18,000 क्रिएचर्स है, 18,000 मखलूक है जो दुनिया में है, जिसको हमने देखा भी नहीं, कई समंदर में, कई आसमान में, कई जंगल में है, कई हमारे नजर से ओझल है। हम लोग तो अपने अतराफ के अलावा 2-3 किलोमीटर पे कितनी चीजें हमारे एग्जिस्ट करती हैं, हम उनको भी नहीं जानते। तो हम और कंट्रीज की और एरियाज की बात ही क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें के बारे में कहीं ना कहीं जब हमारे नॉलेज में आ जाती है, हम उनके मुताबिक बात करते हैं, और उन सारी चीज़ों को इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ड दिया गया है, नाम, मतलब नाउन जो है
वही लैंग्वेज का बेस है, लैंग्वेज का बैकबोन है, नाउन की वजह से ही लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ नाउन है, क्योंकि वो हर चीज जो दुनिया में मौजूद है, जो दुनिया में क्रिएट की गई है, जो दुनिया में पैदा हुई है, वो सारी चीजें ही लैंग्वेज यूज में आती है, उसी के लिए लैंग्वेज यूज होती है। अब इंसान को देखिए, इंसान भी नाउन है, इंसान के सारे पार्ट्स भी नाउन है, और इंसान लैंग्वेज को यूज करता मतलब स्पीकर भी नाउन है और लिसनर भी नाउन है, उसके अपने पार्ट्स भी नाउन है, बॉडी ऑर्गन्स भी नाउन है, और वो जिस पे बात कर रहा है वो भी नाउन है। तो इस तरह से इस लेक्चर में आपको ये समझना चाहिए कि जो भी चीजें आप देख रहे हो, कई चीजें ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन किसी न किसी चीज की वजह से उनका इंफॉर्मेशन, उनके ऊपर बात होती है, इससे बीमारी, हम बीमारियों पे बात करते हैं, तो बीमारी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम की वजह से डेवलप्ड हो गई है, और वो अपना एक एग्जिस्टेंस रखती है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वी टॉक, हम उस पर बात करते हैं, तो वो भी नाम के कैटेगरीज में आती है, तो सारी चीजें नाम के कैटेगरी में आती है। तो लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हमको किसको समझना जरूरी है, नाम को समझना जरूरी। अगर आपने नाम को समझा है और नाम सारे बहुत सारे नाम सबको पता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन आपको पता है, प्रॉपर्टीज मतलब उनका कलर, उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी साइज, समझे ना, ये सब आपको पता है, या उनके एक्शन आपको पता है। अब कोई भी नाम को आप देखेंगे, कई नाम दुनिया में ऐसे जिनमें मूवमेंट्स जो हरकत करते हैं, और कई नाम ऐसे हैं जिनका अपना सेल्फ मूवमेंट है ही नहीं, वो खुद से हरकत करते ही नहीं। तो दो चीजें, नाम जो है, अब जब नाम को देखेंगे तो कई नाम ऐसे नजर आएंगे, कई उसमें हरकत करते हैं और कई में हरकत है ही नहीं। अब सबसे बड़ा नाम जो लैंग्वेज को यूज कर रहा है कौन, हम, इंसान। अब इंसान को देखो, इंसान के बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी एक्शंस हैं, और इतनी ज्यादा एक्शंस हैं इंसान में, सोचने से लेके, बोलने से लेके, खाने से लेके, उठने से लेके, बैठने से, हंसना, रोना, खुशी महसूस करना, खेलना, कूदना, ये बहुत सारी हरकतें हैं इंसान में, इसके मुतालिक बात होती है, इसके मुतालिक टॉक होती है। सेकेंड चीज, हम इंसान की प्रॉपर्टीज़ की भी बात करते हैं, उसकी हाइट की, उसकी साइज़ की, उसकी कलर की, उसके लुक की भी बात करते हैं, और चीज़ें कि उसके लोकेशन की बात करते हैं, उसके पोजीशन की बात करते हैं, वो इस वक्त किधर है, किस एरिया में है, ये पोजीशन की भी बात होती है, उसके लोकेशन की बात होती है, उसके एडजेक्टिव की बात होती है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो गुस्से वाला है, वो नर्म है, वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, वो ब्रिलियंट है, वो लेजी है, इसके बारे में भी बात होती है। तो आपको बेसिकली ये समझना चाहिए कि नाम के एक्शन और नाम की अपने डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वह इंसान हो चाहे चीज़ें हो। तो जब हम लैंग्वेज की तरफ और बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे लैंग्वेज को समझने की, तो हम एक चीज़ और देख लेंगे कि किस तरह से नाम का इस्तेमाल होता है। अब जब हम नाम को एक्सप्लेन, यहाँ पे लिखते थे हम लोग नाम, नाम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो नाम की डिस्क्रिप्शन होगी, नाम की अपनी प्रॉपर्टीज होगी, ओके, और नाम की एक्शंस होगी, नाम की अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके लोकेशन की, उसकी पोजीशन की, उसके पोजीशन की, इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया जाएगा। डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड, जो सेंटेंसेस हम लोग यूज करेंगे, वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, और दूसरा ग्रुप होगा जो उसके एक्शन को एक्सप्लेन करेगा, उसकी हरकत को एक्सप्लेन करेगा। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जब भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो नाउन से कनेक्टेड है, और नाउन से कनेक्टेड दो टाइप के सेंटेंसेस हैं, एक्शन और नॉन, सॉरी, एक्शन नॉन एक्शन और एक्शन। या तो आपके नाम के एक्शन की बात कर रहे हो, उसकी कोई हरकत की बात करोगे, या आप नॉन एक्शन सेंटेंसेस की बात करोगे, आप नॉन एक्शन सेंटेंसेस की बात करोगे। तो
इस तरह से हम नाउन के बारे में बात, इससे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कई नाउन ऐसे जिनमें एक्शन है ही नहीं, जो एक्शन करते हैं जिनका अपना कोई सेल्फ एक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे चेयर है, क्या चेयर, अगर मैं आपको ये बोल दूं चेयर सो रही है, चेयर इज स्लीपिंग, चेयर इज रनिंग, चेयर इज वॉकिंग, चेयर इज फाइटिंग, आप मानोगे चेयर खा रही है, चेयर सो रही है, चेयर बोल रही है, आप मानोगे, बिकॉज यू नो देयर इज नो एक्शन इन चेयर, चेयर कैन नॉट डू एनी एक्शन। सो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, मगर यही सेंटेंस में इस किसी इंसान के लिए बोलोगे ही इज स्लीपिंग, ही इज ईटिंग, ही इज ड्रिंकिंग, ही इज वॉकिंग, ही इज रनिंग, तो आप मानोगे, समझ में। बट फिर जब चेयर के एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम किस चीज़ की बात करेंगे उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, उसका लोकेशन होगा, उसका पोजीशन होगा, उसका अपना डिस्क्रिप्शन होगा, एक उसका अपना नाम है चेयर, उसका एक अपना नाम है, उसके बारे में कैसे बोलेंगे कि ये चेयर है करके, ये बात करके चेयर कमरे में है, क्लासरूम में है, इसके बारे में बात होगी, चेयर ये टैब, ये पैड चेयर का है, इसके बारे में बात हो सकती है, एक्शन के बारे में। इंसान को भी कुछ नाउन ऐसे जिनके एक्शंस हैं, और वो सारे नाउन्स कौन से हैं जिनके अपने एक्शंस हैं, वो इंसान है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये एक्शन ओरिएंटेड नाउन है, इसमें एक्शन है, जो एक्शन करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नाउन के कैटेगरीज में नाउन में आता है, ब्रॉडली अगर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। अब आपने देखा कि ये ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नाउन है, ह्यूमन बींग्स हम लोग इंसान, एनिमल्स आप जानते हो, बर्ड्स ने अब बर्ड्स को आपने देखा है, प्लेसेस को आपने देखा है, थिंग्स को आपने देखा है, तो ये चीजें हैं जिनके मुतालिक ही बात होती है, आपका कोई भी टॉक, कोई भी बात आउटसाइड इसके नहीं होगा, इनसे ही कनेक्टेड कोई ना चीज हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि वो टूट गई है, या वो टूट गया, वो खराब हो गया, वो गिर गया, वो मर गया, वो भाग गया, आपका माइंड फौरन क्वेश्चन करेगा, आप फौरन क्वेश्चन करोगे कौन गिर गया, कौन टूट गया, कौन भाग गया, कौन रो रहा है, कौन बीमार है, किसने मारा, किसने खाया, तो ये सारी चीज किसके अट्राफ में है, नाम। तो ये बेसिकली ये नाउंस है, ये ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नाउंस है जिसके मुतालिक बात होती है, और यही बात करने वाले भी हैं। देयर आर टॉक्स बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड्स, बट वी डोंट नो व्हाट द लैंग्वेज they use, हमको पता है, but we know our language, human being language, and there are hundreds and thousands of languages today. We cannot, some languages even don't hear, we have not heard those languages. अभी कभी सुना भी नहीं हमने, but some languages we know, जैसे broadly India में हिंदी, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी, उर्दू, ये सारी languages हम जानते हैं, okay? Foreign में French हम जानते हैं, okay? समझे ना, और सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस फॉरेन में भी बोल, जैपनीज है और लैंग्वेजेस अरबिक है, ये लैंग्वेजेस बोली जाती, तो लैंग्वेजेस भी डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू कल्चर लैंग्वेजेस डेवलप होती है। तो इस तरह से लैंग्वेज यूज की जाती है बाय ह्यूमन बींग्स, और मोस्ट लैंग्वेजेस यूज बाय ह्यूमन बींग्स, और बट वो लैंग्वेज में बोला क्या जाता है, व्हाट वी स्पीक क्या बात करते हैं, या तो हम उनके एक्शंस की बात करते हैं, या उनके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उनके लोकेशंस की बात करते हैं। तो इनिशियली जब आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश करोगे तो जो सेंटेंसेस है, आप गौर से सुने कि जो सेंटेंसेस है वो आपको सेंटेंसेस दो कैटेगरीज में मिलेंगे, दो ग्रुप्स में मिलेंगे। जब हम ग्रामर सीखेंगे तो दो ग्रुप ऑफ ग्रामर होगा, जिसमें ग्रामर बेस करता है, थोड़ा डिफर करता है, ग्रामर में चेंज है, वो ग्रुप है नॉन एक्शन और एक्शन। वो ग्रुप कौन सा है, नॉन एक्शन एंड एक्शन, कौन सा ग्रुप है, एक्शन एंड नॉन एक्शन।
तो सेंटेंसेस या तो आप नॉन एक्शन सेंटेंसेस बोलोगे या आप एक्शन सेंटेंसेस बोलोगे, करेक्ट है? आप या तो नॉन एक्शन सेंटेंस बोलोगे या एक्शन सेंटेंस बोलोगे। तो जब आप लैंग्वेज से वर्ड से आप लैंग्वेज सेंटेंसेस बनाओगे तो सेंटेंसेस दो ग्रुप में होंगे। सेंटेंसेस आपके कितने ग्रुप में होंगे? दो ग्रुप में होंगे, नॉन एक्शन और एक्शन, करेक्ट? तो आपको ये इजीली समझना चाहिए कि किस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस नॉन एक्शन है और कौन सा सेंटेंस एक्शन वाला है। जैसे अगर हम एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं, ये टेबल है एक्शन नॉन एक्शन, ये टेबल है, क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये टेबल खा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है? नहीं, मैं बोला ये टेबल है तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, ये लाल है तो ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस, ये डस्टर है, डस्टर टेबल पर है, डस्टर टेबल पर है, नॉन एक्शन सेंटेंस। अब मैं अपने बारे में बात, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन सेंटेंसेस है, मैं लिख रहा हूं ये एक्शन सेंटेंसेस है, मैं बोल रहा हूं ये एक्शन सेंटेंस है, मैं क्लासरूम में हूं ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, मैं क्लासरूम में हूं, मेरा नाम इरफान सर है, मैं टीचर हूं, ये सारे नॉन एक्शन सेंटेंसेस है, ये क्लास मेरी है, ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस है, ये नॉन एक्शन सेंटेंस में आ रहा है। आपको समझा कौन से ग्रुप में आएगा? नॉन एक्शन सेंटेंस में। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे भाई बहन है, ये सब नॉन एक्शन सेंटेंस में आते हैं, करेक्ट? सारी चीजें नॉन एक्शन सेंटेंस में आती है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ओके, ये सारी चीजें एक्शन सेंटेंस में आती है। तो आपका सेंटेंस जब आप बनाओगे तो सेंटेंस आप कंफर्म करना है कि सेंटेंस मेरा नॉन एक्शन है या एक्शन है, नॉन एक्शन सेंटेंसेस है या एक्शन सेंटेंस है। जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा तो आगे जाके जब हम ग्रामर सीखेंगे तो आपको इजीली पता हो जाएगा कि ग्रामर में चेंज क्यों है। कई जगह पे सेम वर्ड है लेकिन कुछ रूल्स अप्लाई अलग हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इंसान ऑफिस में मैनेजर होता है और वो घर में फादर होता है, घर में उसको डैडी के नाम से डैडी पुकारते हैं या अब्बू पुकारते हैं और ऑफिस में उसको सर पुकारते हैं, मैनेजर बोला जाता है। तो सेम ही इंसान है लेकिन चूंकि वो ऑफिस में है इसलिए वो मैनेजर है, और चूंकि वो घर पे है इसलिए वो फादर है, डैड है, पर्सनैलिटी एक ही है। इसी तरह से यही सेम चीज़ आप समझ के चलिए कि कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जब वो नॉन एक्शंस में आ जाएंगे तो उनका ग्रामर कुछ और होगा, और जब वो एक्शन में आ जाएंगे तो उसका ग्रामर कुछ और होगा, इवन उनका नाम भी चेंज हो सकता है, उनका टर्म भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से एक्शन सेंटेंसेस और नॉन एक्शन सेंटेंसेस के बारे में हमने बात की। अब चलते थोड़ा वर्ड्स की तरफ। सबसे बेसिकली इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेंटेंसेस बनाने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप वर्ड्स का कलेक्शन करें। आप किसका कलेक्शन करें? वर्ड्स का कलेक्शन करें। अब वर्ड्स का कलेक्शन कैसे होगा? आपको एक थ्योरी पता होनी चाहिए, एक सिस्टम पता होना चाहिए कि वर्ड का कलेक्शन कैसे करेंगे। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत सारे नाउंस हैं, बहुत सारे नाउंस, तो आपको सबसे पहले नेम ऑफ नाउंस आपको कलेक्ट करना है कि सारी चीजों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में। अभी अपने अंदर आपके क्लासरूम में काफी चीजें इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम खाते हैं जो चीजें पीते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीजें हमको नजर आती हैं उनके नाम क्या है इंग्लिश में। सेकेंड चीज आपको पता करनी है एक्शन के बारे में कि कौन से वर्ड कौन से एक्शन को डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ या वो खेलता है तो अब ये इमेजिन नहीं करोगे वो खाता है करके, उसके एक्शन ये नहीं होगी खाता, बल्कि उसके एक्शन कुछ और होगी। अगर मैं बोलूँ पी रहा है तो अब इवन ये भी इमेजिन नहीं करोगे एक्शन खाने की होगी करके। तो बहुत सारे एक्शन है और कलेक्शन ऑफ बहुत सारे एक्शन। तो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये दो जिसको बहुत ज़्यादा वर्क करो इनिशियली कि नेम ऑफ द नाउंस एंड सेकेंड एक्शन ऑफ द नाउन। ये वर्ड्स को जब आप कलेक्ट करोगे तो आपकी एक वोकैबुलरी डेवलप होगी, और अगर बेसिक वोकैबुलरी आपकी डेवलप हो गई तो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसा मैं एक रूटीन एग्जाम्पल देता हूँ, है ना,
आपको रूटीन एग्जांपल लेता हूँ कि मिस्टर राज सुबह उठते हैं, तो उठना सुबह मॉर्निंग, सुबह उठते मॉर्निंग को क्या बोलते, सुबह को मॉर्निंग, उठना मिस्टर राज गेट्स अप इन द मॉर्निंग, तो गेट्स उठना को गेट अप और गेट, जो गेट अप बोला ग्रामर के साथ थर्ड क्वेश्चन है तो गेट्स अप बन जाता होता है, यहाँ पे वो गेट अप है बेसिक वर्ड, तो गेट अप इन द मॉर्निंग। ही रीड्स, वो पढ़ते हैं, तो रीड, व्हाट ही रीड्स, ही रीड्स न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर चीज का नाम है। तो इस तरह से जब आप कलेक्ट करोगे तो आपको एक्शन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, आपको नाउन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों के बाद ये जब दोनों का कलेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा तो इससे कनेक्टेड और दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका जरूरी है, जैसे कि एक वर्ड है एडजेक्टिव और दूसरा वर्ड है एडवर्ब। अब ये चीज इससे कनेक्टेड है और ये चीज इससे कनेक्टेड है, ओके? अब जब वर्ड के कलेक्शन आप करोगे, अपने नाम को कलेक्ट किया तो नाम से आपको दो ग्रुप निकलेंगे, या तो आप नाम के एडजेक्टिव्स की बात करोगे या आप नाम के एक्शन की बात करोगे। ब्रॉडली बहुत ज्यादा यूज होने वाली एक्शन है, एडजेक्टिव ज्यादा नहीं है, तो एक्शन की वर्ड्स होगी और नाम से जब आप ग्रुप बनाओगे तो एक्शन वर्ड्स होगे और नॉन एक्शन वर्ड्स होगे। जैसे मैं आपको फिर एक बार चार्ट बना के हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, इधर कोशिश करते हैं, जगह की कमी है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे नाउन लिख देता हूँ, यहाँ से आपने दो वर्ड निकाले, एक्शन और एडजेक्टिव्स, ठीक है? अब जब एक्शन से नीचे आप उतरेंगे तो और एक वर्ड एक्शन को हेल्प करने के लिए आएगा, एडवर्ब। एक्शन को वर्ड हेल्प करेगा एडवर्ब। तो नाउन के बारे में अब इस इनिशियली समय तक एक्शन और एडजेक्टिव्स की ज्यादा बात करी जाती है, फिर बाद में आएगा आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रीपोजिशंस आएंगे, लोकेशंस आएंगे, बहुत सारे वर्ड देंगे, बट इस बेसिकली ये ब्रॉड वे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक्शन और एडजेक्टिव्स, ये बहुत ज्यादा नाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ वर्ड्स है जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जो एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एडजेक्टिव नाउन को एक्सप्लेन करता है कि नाउन कैसा है, ऊंचा है, लंबा है, छोटा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, ये एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर रहा है किसको, नाउन को। और एक्शन खाना पीना उठना खेलना बैठना नाउन की, उसके बाद आपका वर्ड होगा एडवर्ब, वो किस तरह से खाता है, किस तरह से खेलता है, सुस्त है काम करने में और बहुत स्लो चलता है, वो स्लो ड्राइविंग करता है, वो स्लो लर्नर है, तो ये सारी चीजें एडवर्ब मानी जाती है। तो आप जब कलेक्ट करोगे तो फोर टाइप्स ऑफ वर्ड्स पहले आप ध्यान में रखें, इनिशियली आगे चल के फिर और कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी हम लोग डेवलप करेंगे, बट इनिशियली आप कोशिश करें अपने घर में बैठ के कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का कलेक्शन करें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो नाम आपको नजर आ रहे हैं जहाँ पे भी, मार्केट में, घर में, ऑफिस में, या कहीं पे भी आप कोई मैगजीन देख रहे हो जिसमें कुछ चीजें दिखाई जा रही है, या आप टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे हो कुछ चीजें दिखाई जा रही है, वो सारे वर्ड्स को, वो सारी चीजों के नाम क्या है। सेकेंड, उससे कनेक्टेड एक्शंस कौन कौन से, एक्शन वर्ड्स कौन से, इनको अगर हम कलेक्ट कर ले प्रॉपरली तो लैंग्वेज इजी हो जाए। इनिशियली एटलीस्ट जैसे हम एकदम बेसिक लेवल पे है, बहुत वेरी बेसिक लेवल पे, तो हमको एटलीस्ट 100 वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में परफेक्टली जमा करनी है, 100 एक्शन वर्ड्स, और मे बी नाउन ज्यादा होना चाहिए, 200-300 नाउन्स होना चाहिए, एडजेक्टिव्स एटलीस्ट 20-25-35 लैंग्वेज एडजेक्टिव्स होने चाहिए कनेक्टेड टू नाउन, और उसके बाद एडवर्ब्स होना चाहिए हमको, समझे, एडवर्ब होना चाहिए कि कौन सा एडवर्ब हमारे एक्शन को ज्यादा, क्योंकि जब भी इंसान अपने बारे में बात करता तो अपने एक्शन को स्मार्टली बोलने की कोशिश करता है, स्मार्टली बोलने की कोशिश करता है, अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करता है, तब कहीं जाके वो वर्ड, आप समझे। तो इस तरह से
इस तरह से आपको लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आया किस तरह से बात होती है कि हमने देखा कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, वर्ड्स सेंटेंसेस बनते हैं और इस सारी चीजें नाम के अतराफ में घूमती है। लैंग्वेज पूरी की पूरी नाम की वजह से एग्जिस्ट करती है, बगैर नाम के उसको एग्जिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो ये जो चीज थी, ये जो चीज हमने देखी, ये सारी चीजें लैंग्वेज पर, जब नाम के हमने नाम के बारे में हमने बात की तो हमने देखा कि नाम में भी जब नाम के बारे में बात होती है वो नाम दो जिसमें डिवाइड है, प्रॉपर्टीज, उसका अपना डिस्क्रिप्शन, अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन, उसके बारे में एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप उसके एक्शंस के बारे में, वो क्या खाता है, क्या खेलता है, क्या पीता है, क्या बैठता है, क्या सोता है, क्या देखता है। और उसके बाद जब हम जब भी प्रॉपर्टी से इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं उसको कहा गया है नॉन एक्शन, और जब उसके एक्शन के बारे में बात कहा जाता है तो उसको एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। आगे जब इसको ग्रामर के टर्म से हम देखेंगे तो ये टर्म ऐसा होगा, बी वर्ब बोला जाएगा इसको, और यहाँ पे वर्ब या उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। तो ये ग्रामर टर्म्स है। लास्ट मैंने आपको कोशिश की समझाने की कि क्यों बेसिक में, क्योंकि जब आपको बोला गया कि आप बी वर्ब सेंटेंसेस बना रहे हो तो आपको फौरन क्लिक होना चाहिए कि बी वर्ब सेंटेंसेस जो है, जो बी वर्ब सेंटेंसेस जो बनते हैं वो किस लिए बनते हैं, जिसमें एक्शन नहीं होती, जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस कहलाते हैं, और वर्ब सेंटेंसेस या एक्शन वर्ब सेंटेंसेस जो है जिसमें एक्शन की बात की जाती है। और एक्शन वर्ब का ग्रामर बहुत बड़ा है, बहुत डीप है कंपेयर टू बी वर्ब के ग्रामर में। तो इनिशियली जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बी वर्ब से, जिसमें जो सेंटेंसेस होंगे कि आपको नाम बताना है, आपका नाम क्या है, मैं इरफान से हूँ, आप राज हो, है ना, वो शीला है, वो दीना है, वो शादाब है, वो राज है, इस तरह से, क्या वो राज है, क्या वो दीना है, क्या वो शादाब है, क्या आप इरफान सर हो, इस तरह से जो सेंटेंस इनिशियली हम शुरू करेंगे वो वी वर्ब ग्रुप में, क्या आप टीचर हो, क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप प्रोफेसर हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, आपकी नॉन एक्शन ग्रुप में आएगी। और हम नेक्स्ट लेक्चर से या थर्ड या फोर्थ लेक्चर से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर प्रैक्टिस करें वी वर्ब ग्रुप, बट उससे पहले हमको ईजिली वी वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारी आज का जो लेक्चर था, बेसिकली इस लेक्चर को हमने ने कोशिश की है कि किस तरह से इस लेक्चर को हम कंक्लूड करें और किस तरह से समझे कि किस तरह से इस लेक्चर को समझा जाए, सॉरी कंक्लूड किस तरह से इस लेक्चर को समझे, किस तरह से शुरू करने से पहले हम लैंग्वेज को समझें, लैंग्वेज नाउन पर डिपेंड होती है, और किस तरह से फिर ईजी हो जाए हमको कोई चीज़ बनाना। तो ब्रीफली आपको ध्यान में रखना कि कैरेक्टर है, वर्ड्स है, सेंटेंसेस हैं, सारी चीज़ें नाम के अतराफ में हैं, नाउन यहाँ पे इस लिस्ट ऑफ नाउन है, और नाम के अपने दो जब बात होती है तो दो ग्रुप में बात होती है, प्रॉपर्टीज और एक्शन, प्रॉपर्टीज नॉन एक्शन ग्रुप में आ जाता है और एक्शन ग्रुप में एक्शन वर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वर्ड्स का कलेक्शन हमको करना बहुत ज़रूरी है, तो फोर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका कलेक्शन आपको करना इनिशियल स्टेजेस पर बहुत ज़रूरी है, नेम ऑफ नाउन्स, ओके, एंड एक्शन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब। ठीक है, तो अब इस तरह से हमको समझना बहुत जरूरी है।